टू अ चैनल देन लेते हो गाइस। जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर में जो आज का आल्स का एग्ज़ाम रहा उसके ऊपर बात करेंगे। मीन्स कैसा रहा, ओवरऑल लिसनिंग कैसी है, रीडिंग क्या आई और राइटिंग के क्या क्या टॉपिक थे। तो गाइस हम इस वीडियो में सारी की सारी बात करेंगे कि एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा रहा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग की ओर। तो गाइस जो इस बार लिसनिंग आई वो सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऐसी लिसनिंग थी, लाइक सेक्शन फर्स्ट वाज वेरी इजी, सेक्शन सेकंड वाज आल्सो वेरी इजी, बट सेक्शन थर्ड वाज लिटिल बिट मॉडरेट एंड सेक्शन फोर वाज इजी। और गाइस एज ए इन्विजिलेटर यू नो दैट कि गाइस बहुत से काम होते हैं, सो दैट्स व्हाई गाइस प्रॉपर क्वेश्चन याद रखना इस बार रियली डिफिकल्ट रहा। तो गाइस जिन जिन का आज एग्ज़ाम था अगर उनको सेक्शन वाइज उनका क्वेश्चन पैटर्न याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें, बिकॉज इससे गाइज दूसरे आज कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है। तो गाइज जिन किन को याद हो तो प्लीज़ वो हमें शेयर जरूर करें। लेकिन गाइज अगर ओवरऑल हम 7 दिसंबर मीन्स आज की जो लिसनिंग है उसके ऊपर बात करें तो गाइज दैट वॉज ईजी। एंड गाइज मैंने आपको परीक्षा वीडियो में भी अपनी कहा था कि लिसनिंग विल बी ईजी फॉर 7 दिसंबर। तो गाइज लिसनिंग वॉज वेरी ईजी बिकॉज मैंने अपने जितने भी कैंडिडेट देखे आज वो ईजिली परफॉर्म कर पा रहे थे और वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे अपनी लिसनिंग को। तो गाइस लिसनिंग इस बार ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी बिकॉज जितने भी मैंने आज कैंडिडेट देखे अपनी रो में दे कैन ईजिली परफॉर्म। सो गाइस लिसनिंग वाज ओवरऑल वाज इजी। गाइस उसके बाद अगर हम रीडिंग की बात करें तो गाइस रीडिंग का फर्स्ट पैसेज वाज इजी बिकॉज गाइस बहुत से कैंडिडेट ने अपना जो फर्स्ट पैसेज था वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया। एंड जो सेकेंड पैसेज वाज also little bit easy and third passage was little bit moderate guys इस बिहार पे अगर देखें तो overall reading was easy but I said that in our prediction video कि one passage will be moderate। तो guys overall वैसी ही reading थी कि means मैंने आपको पहले ही अपनी prediction video में कहा था कि दो passages बहुत easy आने वाले हैं means, लेकिन एक passage थोड़ा सा आपको work करना पड़ेगा जो tricky हो सकता है, तो that was this third passage। तो guys मैंने रीडिंग भी आज अपने कैंडिडेट को देखा बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन लास्ट में उनके पास थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज होता है जो अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग ना हो उसके कारण होता है। तो इस ओवरऑल अगर बात करें लिसनिंग वाज इजी एंड रीडिंग वाज ओवरऑल इजी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था एक पैसेज मॉडरेट आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सो वैसी ही रीडिंग आई और वैसी ही लिसनिंग आई जैसी हमने परीक्षा वीडियो में गाइज आपको बात करी थी। एंड गाइज राइटिंग के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज हमारा सिर्फ ऑफिशियल एक ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दी इन्विजिलेटर। एंड गाइज मैंने देखे हैं बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से एक ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, दे आर आल्सो चार्जिंग मनी फ्रॉम योर। तो गाइज हमारा चैनल इसके बिल्कुल खिलाफ है बिकॉज वी डिडंट चार्ज एनी मनी फ्रॉम एनी वन। हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी थॉट कि आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो गाइज आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ अगर आप उन पर रिलाई करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट हमारा सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दी इन्विजिलेटर और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज राइटिंग की अगर बात करें तो टास्क वन वॉज लाइन एंड टेबल कम्बाइन। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेबल लाइन करके जाना इस बार। तो गाइज टास्क वन वॉज एग्जैक्टली सेम टू आवर प्रेडिक्शन वीडियो। And task two guys, people think that the range of technology is currently available increasing the gap between rich people and poor people. Other think that it is cause opposite effect. Discuss both views. तो गाइज टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक था। तो गाइज हमारी प्रिडिक्शन वीडियो एकदम वैसा ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक आने वाला है। तो गाइज टास्क टू वॉज रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजी एंड बोथ व्यूज एज वेल। गाइज आपको मैंने बोथ व्यूज की स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया था, यू नो दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई पुट दैट टेम्पलेट फॉर यू गाइज। सो अगर ओवरऑल देखें तो हम टास्क टू वाज द टेक्नोलॉजी एंड टास्क वन लाइन एंड टेबल, रीडिंग वाज ईजी बट वन पैसे वॉज मॉडरेट, लिसनिंग वॉज ओवरऑल वेरी ईजी। तो वैसे अगर 7 दिसंबर का अगर ओवरऑल एग्जाम देखे तो इट वॉज ईजी बट ट्रिकी एज आई सेड इन आवर प्रेडिक्शन वीडियो। एंड टास्क वन वॉज लाइन टेबल एंड कॉइन
and task to technology. So guys, if you like this video, please share this video, subscribe the channel The Insulator, and guys, listening, reading के आंसर within कुछ मिनटों में अपलोड होने वाले हैं. तो guys, stay tuned the channel The Insulator and like, share, subscribe the channel The Insulator. And guys, और भी वीडियो आने वाली है, prediction video नेक्स्ट एग्जाम की गाइस जल्दी आने वाली है. तो गाइस फॉलो करके रखें इस चैनल को. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.